दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारी जो एवेंजर बाइक है उसमें हम ये हैजार्ड स्विच या पार्किंग स्विच आप कह सकते हो जिसको हम इंस्टॉल करेंगे। उसमें मैं ये बनाने वाला हूँ, ये पार्किंग लाइट या तो हैजार्ड स्विच आप कह सकते हो। तो इसका इंस्टॉलेशन करेंगे एवेंजर क्रूज 220 के ऊपर। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक स्विच चाहिए, उसके साथ में दो वायर ऑलरेडी आते हैं तो मैंने यहाँ पे अलग से पेयर किया रेड वायर, क्योंकि ये दोनों कनेक्शन जो है पॉजिटिव में देने, क्योंकि आपके जो लेफ्ट और राइट का इंडिकेटर जो रहेगा उसमें आप ये जो केबल है पॉजिटिव साइड में दोनों वायर जो है लगाने के। तो उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक ऐसा हैजार्ड स्विच या पार्किंग स्विच कह सकते हो, और उसके साथ केबल टाई चाहिए 3-4, क्योंकि आपको इसको प्रॉपर फिटिंग करना है ताकि आगे चल के इसमें कोई वायर में प्रॉब्लम ना हो और स्विच अच्छी तरह से फिट रहे। तो ऐसे आपको केबल टाई लाना है, और साथ में आपको एक मैंने ये छोटा सा डिसमिस मंगाया, अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, क्योंकि जो स्टेयरिंग और लाइटिंग वगैरह रहता है उसकी वजह से कभी कभी डिसमिस घुमाने में दिक्कत होती है। अगर छोटा सा है तो अच्छी बात है, ये मैंने अमेजोन से मंगवाया, नहीं तो फिर आपको थोड़ा लॉन्ग डिसमिस स्क्रू ड्राइवर लेना पड़ेगा ताकि आप इसको आसानी से फिट कर सकते हो। उसके अलावा आपको चाहिए ऐसा पाइलर, ये केबल कट करने के लिए, और यहाँ से केबल की जो स्लीव होती है उसको रिमूव करने के लिए। ये सबसे बेस्ट है क्योंकि इससे जो वायर होता है वो कट नहीं होगा और प्रॉपरली रिमूव होगा। हमारा जो बजाज एवेंजर क्रूज है उसके ऊपर हम जो है पार्किंग लाइट या तो हैजार्ड स्विच इंस्टॉलेशन करेंगे, तो उसको किस तरह से करना है वो आप पूरा ध्यान से देखना, मैं आपको डिटेल में पूरा बताऊँगा कि कहाँ पर सॉकेट होता है और आपको किस तरह से पूरा वायरिंग करना है, और हम साथ में चालू करके भी देखेंगे कि प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मैं वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, ताकि मेरी तरह जो भी खुद से घर पे अपने बाइक के अंदर ऐसी सुविधा इंस्टॉल करना चाहे तो कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारी जो एवेंजर बाइक है उसमें हम ये हैजार्ड स्विच या पार्किंग स्विच आप कह सकते हो जिसको हम इंस्टॉल करेंगे। सो अगर ये मेरा जो बजाज एवेंजर है मैन्युफैक्चरिंग उसका 2019 है। सो नॉर्मली जो पहले बाइक थे वहाँ पे इसके हैलोजन लैंप के पीछे उसके कनेक्टर आते थे साइड लाइन के, जिसके अंदर हमको इसका वायर कनेक्शन करना है। सो ये स्विच मैंने ऑनलाइन अमेजोन से मंगवाया है और ये 2019 का मॉडल है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसके कनेक्टर कहाँ पर रहते हैं। जो पेट्रोल टैंक है उसके नीचे ये जो चेसिस है उसके अंदर की साइड में ये जो दो कनेक्टर है वो लेफ्ट और राइट इंडिकेटर के रहते हैं। तो हमें इसके जो ये जो ग्रे वायर है ये इसका पॉजिटिव है, और ये जो ग्रीन है वो उसका पॉजिटिव है। तो ये स्विच के जो दो वायर है हमें दोनों ही पॉजिटिव के अंदर लगाने हैं। सो मैं आपको बताऊँगा लगा के चालू करके के कैसे चल रहा है, तो हम लगाते उसको देखिए आप। और उसके लिए आपको एक ऐसा छोटा सा स्क्रू ड्राइवर चाहिए और एक नोज पिलर पकड़ चाहिए, क्योंकि अंदर की तरफ कनेक्शन होता है तो इससे आप खींच के बाहर ले सकते हो, बाकी आपके हाथ से भी आ जाएगा। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसको लगा के कैसे लगाना है, उसके बाद ये जो स्विच है उसको माउंट करेंगे टेस्ट करने के बाद, ठीक है? तो देखते रहिए आप। अभी ये जो दूसरा वायर है उसको हम ग्रे में लगाएंगे क्योंकि जो उसका पॉजिटिव है। सो हमें देख के ही कनेक्शन लगाना है कि इसका ग्रे कनेक्शन जो वायर है वो कहाँ पे है। इसका कनेक्टर ये रहा, सो जो ग्रे साइड का है जिसमें हम यहाँ पे जो है हमने लगा दिया, अभी चेक करेंगे चालू करके ये प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
देखिए दोनों इंडिकेटर चालू है, ये दोनों इंडिकेटर जो एक साथ चल रहे हैं। अभी हम यहाँ से उसका स्विच ऑफ करेंगे। देखिए हमने स्विच का कनेक्शन कर दिया है, सो अभी हम इसको टेस्ट करेंगे। अभी ये स्विच ऑफ है, सो अभी मैंने यहाँ से जो है राइट साइड पिन दिया है और अभी हम जो है स्विच इसको ऑन करेंगे। सो आप देखना कि दोनों इंडिकेटर एक साथ चलेंगे। सो अभी हमने कनेक्ट स्विच ऑन किया है तो दोनों इंडिकेशन जो एक साथ चल रहे हैं। सो अभी हम स्विच बंद करेंगे, सो राइट साइड का चल रहा है, क्योंकि जब भी आप दोनों कनेक्ट दोनों लाइट एक साथ ब्लिंक करनी है सो कोई भी आपका एक इंडिकेशन चालू होना चाहिए। तो अभी हम यहाँ से इसको बंद कर देते हैं और इसके बाद ये जो स्विच है इसको हम यहाँ पे फिट कर देते हैं। तो इसको यहाँ पे अंदर डाल देंगे जिस तरह से था उसी तरह से, और उसको यहाँ पे अंदर दबा देंगे जहाँ पे ये पहले था। सो जिस तरह से था वैसे ही हमने इसको फिक्स कर दिया है और अभी हम जो है स्विच को कनेक्शन करेंगे। हम स्विच को यहाँ पे लगाएंगे क्योंकि इसका जो वायर है बहुत ही छोटा है, तो सबसे पहले हम इसको अनलॉक करेंगे। बहुत छोटा है इसके, इसके लिए हमने इसको छोटा स्क्रू ड्राइवर यूज़ किया। अगर बड़ा स्क्रू ड्राइवर होता तो इसको फिक्स करने में बहुत तकलीफ़ होती, क्योंकि यहाँ पे इसका सस्पेंशन का हैंडल बार और ये है इसकी वजह से, पर इसमें वायर बहुत ही छोटा दिया है फिर भी हमने इसको फिक्स किया है। सो भी एक बार फिर से चेक कर लेंगे कि प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले मैं इसका जो एक इंडिकेशन ऑन कर रहा हूँ, ये देखिए लेफ्ट साइड का इंडिकेशन है, क्योंकि कभी जब भी आप इंस्टॉलेशन करते हो तो कोई एक इंडिकेशन एक साइड का चालू होना ज़रूरी है, लेफ्ट या राइट। उसके बाद हम जो है स्विच को ऑन करेंगे। ये देखिए मैंने ऑन किया तो दोनों लाइट एक साथ ब्लिंक हो रही है। तो अभी हम जो है इसको यहाँ से बंद करेंगे तो फिर से वही लेफ्ट साइड वाला जो हमने बटन दबाया था वही चल रहा है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। फर्स्ट टाइम अगर चैनल में वीडियो को देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो फ्लैशर लाइट के ऊपर बनाऊं तो मुझे कमेंट जरूर करना इस वीडियो के अंदर, और वीडियो को शेयर करना, क्योंकि छोटी चीज़ें होती है जो आप घर पर खुद से हाथ से ही कर सकते हो, उसके लिए कोई टेक्निकल पर्सन या मैकेनिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से अपने हाथ से ही घर पर लगा सकते हो। तो मैंने आपको पूरा वीडियो डिटेल से बताया, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक और शेयर कर देना। राइड लेते हैं, आप देखिए ये कैसे दिख रहा है नाइट में, सो मैं आपको दिखा रहा हूँ। बजाज एवेंजर क्रूज है जिसमें हमने हैजर लाइट या पार्किंग लाइट जो इसमें इंस्टॉल किया है, तो आपने पूरा वीडियो देखा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, और नेक्स्ट वीडियो में फ्लैशर लाइट इंस्टॉल करने वाला हूँ। अगर आप चाहते हो कि उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाओ तो मुझे कमेंट जरूर कर देना। फिर मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ जो मैंने इंस्टॉलेशन किया है उसके ऊपर।